दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेटर। तो बेसिकली हम बोलते हैं कि लाइनक्स का जो फ्यूचर है, डिमांड या स्कोप कितना है और कहाँ तक रहने वाला है, तो उसकी हम बात करते हैं। तो पहले हम जान लें बेसिकली लाइनक्स है क्या। लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कई लोग इसको लिनक्स भी बोलते हैं। कंप्लीट CLI नहीं है, कमांड लाइन इंटरफेस कंप्लीट नहीं है। आपको UI भी मिल जाता है वहाँ पे, यूजर इंटरफेस, बट मोस्टली जो हम काम करते हैं वो CLI पे करते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस पे। तो ये बेसिकली एक नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम है। मेरे कहने का मतलब, अगर किसी को बचपन से ही विंडोज़ देते हो चलाने के लिए, तो विंडोज़ के साथ उसका एक्सपीरियंस हो जाता है। किसी को आप मैक देते हो, उसको मैक के साथ एक्सपीरियंस हो जाता है। किसी को लाइनक्स देते हो तो उसको लाइनक्स के साथ एक्सपीरियंस हो जाता है। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन दी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो जब आप लाइनेक्स ऑपरेट करते हो, नॉर्मली हम विंडोज़ ऑपरेट कर रहे होते हैं, मैक ऑपरेट कर रहे होते हैं, जब आप लाइनेक्स, तो वो एक डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम लगता है, क्योंकि वहाँ पे कमांड बेस्ड सारी चीज़ें होती हैं। जब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप इसको ओपनली डाउनलोड कर सकते हो, अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। एंड अब मैं बात करता हूँ इसके फ्यूचर डिमांड के बारे में। तो आपने ये चीज़ बहुत दिनों से सुनी होगी, बहुत सालों से चली आ रही। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, या आप टॉप मल्टीनेशनल कंपनी बोल लो, तो वहाँ पे जो आज भी सर्वर्स हैं, जो सर्वर्स यूज़ हो रहे हैं, वो लाइनेक्स बेस्ड सर्वर यूज़ हो रहे हैं। उनका जो डेटा है वो लाइनेक्स बेस्ड सर्वर्स में पड़ा हुआ, क्योंकि लाइनेक्स सिस्टम को हैक करना इतना ईजी नहीं है एज़ कम्पेयर टू विंडोज़ एंड मैक। बहुत सेफ एंड सिक्योर है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इस वजह से कंपनी आज भी उसको यूज़ कर रही हैं और फ्यूचर में भी यूज होने वाला है, क्योंकि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि जल्दी से रिमूव नहीं होने वाला किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। आप अगर डेवऑप्स कर रहे हो, आपको लाइनेक्स मिल जाएगा। आप क्लाउड कर रहे हो, आपको लाइनेक्स मिल जाएगा। आप अगर नेटवर्किंग कर रहे हो तो आपको लाइनेक्स इंटरफेस मिलेगा। मेरे कहने का मतलब, वहाँ पे CLI बेस्ड काम होता है। नेटवर्किंग में जो कमांड वगैरह आप डालते हो, भले ही आप विंडोज़ पे काम कर रहे हो, बट वहाँ पे कमांड बेस काम कर रहे हो। तो आप देखना कभी नेटवर्क टूल्स में काम करके, फायरवॉल सिक्योरिटी आप यूज़ करते हो या कंपनीज में यूज होता है, सिस्को फायरवॉल हो गया, फोर्टीनेट हो गया, या सोनिक वॉल फायरवॉल हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसमें भी CLI होता है, उसमें भी कमांड लाइन इंटरफेस होता है, तो आप वहाँ पे भी काम करते हो। लाइनेक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका फ्यूचर डिमांड अच्छा खासा है और वो कभी ख़त्म ना होने वाली चीज़ है। आप टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाएगी, बट लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा रहेगा। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उठा के देख लो, आप डेटाबेस, आप मशीन लर्निंग, किसी भी टेक्नोलॉजी में चले जाओ, आपको वहाँ पे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मिलने वाला है, एज अ सर्वर सेंटर और एज अ डेटा सेंटर। तो इसका अच्छा खासा स्कोप है, करियर भी है और फ्यूचर भी है एंड सैलरी भी है। तो नो डाउट, अभी के 50 साल, 60 साल या 100 साल की बात करूं, तो लाइनेक्स को इतनी जल्दी कोई भी टेक्नोलॉजी रिमूव नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो अदर टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो सर्वर बेस आ रही हैं, लाइनेक्स सर्वर बेस आ रही हैं। वो बात अलग है कि कोई बंदा अगर क्लाउड पढ़ता है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, तो वहाँ पे आपको हो सकता है विंडोज़ प्लेटफॉर्म मिल जाए। बट अगर आप AWS कर रहे हो, डेवऑप्स पढ़ रहे हो, तो आप देखोगे कि जो मार्केट कैप्चर किया है वो सबसे ज़्यादा AWS के पास है, मतलब अमेजन वेब सर्विस के पास है, अमेजन क्लाउड के पास है। तो वहाँ पे भी आपको लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है। तो इससे आप समझ सकते हो कि इसका जो करियर वो अच्छा खासा बूम होने वाला है आने वाले टाइम में, और इसके पहले भी था, और सैलरी भी इसमें अच्छी खासी होती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।